हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएस स्पेशल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टारगेट प्रीलिम 2020 सीरीज़ के न्यू लेक्चर को। आज हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, तो वीडियो लेक्चर को पूरा देखिएगा और इसके नोट ज़रूर बना लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन रिलेटेड है एंटी डिफेक्शन लॉ या 10th शेड्यूल से रिलेटेड है, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द प्रोविजन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 53rd अमेंडमेंट। क्या स्टेटमेंट सही है? सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इफ अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर वॉलंटरली रिजाइंस फ्रॉम हिज पार्टी और डिसओबे द डायरेक्टिव ऑफ द पार्टी विप देन सच अ मेंबर कैन बी डिस्क्वालिफाइड अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है द प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल डू नॉट अप्लाई टू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट ईदर इन द लोकसभा और फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। तो देखिए, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है यहाँ तक कि ये जो प्रोविजन था डिस्क्वालिफिकेशन का, ये बिल्कुल 10th शेड्यूल के अंदर ही इसको दिया गया है, इसको प्रोवाइड किया गया है डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोविजन। बट इसको ऐड ना 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा नहीं किया गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसको ऐड किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको ऐड किया गया था डिस्क्वालिफिकेशन को 10th शेड्यूल के अंदर, ठीक है? उस टाइम क्या हो रहा था, आया राम और गया राम वाली पॉलिटिक्स हो रही थी, तो उसको रोकने के लिए ये प्रोविजन लाया गया था डिस्क्वालिफिकेशन का। क्या होता था कि अगर कोई पार्टी मेंबर सुबह किसी दूसरी पार्टी में है ना, तो शाम को अपनी पार्टी चेंज करके शाम को दूसरी पार्टी में चला जाता था, तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोविजन लाया गया था। और ये सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अगर कोई मेंबर है पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का, वो वॉलंटरली रिज़ाइन कर देता है अपनी पार्टी से या फिर अपने पार्टी का जो व्हिप इशू किया जाता है पार्टी के द्वारा उसको डिसओबे करता है, तो बिल्कुल उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और थर्ड स्टेटमेंट गलत है हमारा, क्योंकि इसमें कह रहा है जो प्रोविजन होता है डिस्क्वालिफिकेशन का, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के ऊपर लागू नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, इलेक्शन लड़ता है और जीत जाता है, उसके बाद वो रिज़ाइन कर देता है या फिर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उस पर भी डिफेक्शन लग सकता है, उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए टू ओनली इसका आंसर है, ठीक है? चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। तो देखिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन है सोवा रिगपा के ऊपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपको बताना है इनमें से, इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है सोवा रिगपा के ऊपर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ अ ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयन बेल्ट ऑफ इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो देखिए, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, इसका आंसर बोथ, दोनों ही सही है। ये बिल्कुल एक ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है जो कि हिमालयन बेल्ट से ही ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है? सोवा रिगपा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साइंस ऑफ हीलिंग, साइंस ऑफ हीलिंग, ये इसका मतलब होता है सोवा रिगपा का। और ये हिमालयन बेल्ट में ही इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है, वहीं से ओरिजिनेट हुआ है। हिमालयन बेल्ट में कौन से जो हमारे स्टेट आ जाते हैं, देखिए जैसा कि आप सभी को पता है हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में ये ओरिजिनेट हुआ है, वहाँ भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद सिक्किम आ गया, सिक्किम में होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, हिमाचल तो हो ही गया, लद्दाख में भी होता है इसका यूज़, और दार्जिलिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये स्टेट है जहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, यहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है साइंस ऑफ हीलिंग, ठीक है? और ये भी बिल्कुल सही है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रिकॉग्नाइज कर रखा है एज अ ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ आर करेक्ट। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है जो नेमिंग की जाती है ट्रॉपिकल साइक्लोन की, वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती है। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो देखिए, ये किसके द्वारा की जाती है, ये किया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, इनके द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। याद रखिएगा, जो नेमिंग की जाती है ट्रॉपिकल साइक्लोन की, वो किया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कार्टोसैट के ऊपर, आपको बताना है इन तीनों में से कौन से स्टेटमेंट सही है। कार्टोसैट आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है जो हमारा साइंस एंड टेक का जो सेक्शन होता है उसके अंदर प्री में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। जो भी इसरो लॉन्च करते हैं ना, जितने भी मिशन इसरो लॉन्च करता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि नाविक के ऊपर आ गया था पास्ट ईयर्स में, ठीक है? तो ये देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ अ अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट विच इज़ बिल्ड बाय द इसरो। क्या स्टेटमेंट सही है? सेकेंड कह रहा है इट वॉज लॉन्च बाय द GSLV Mark III।
थर्ड कह रहा है इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर नेविगेशन पर्पसेस। तो देखिए इसका आंसर क्या है, ए वन ओनली। ये बिल्कुल एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसको इसरो ने लॉन्च किया है, ठीक है। और इसको लॉन्च ना GSLV मार्क 3 के द्वारा नहीं किया गया था, इसको लॉन्च किया गया है PSLV C47 के द्वारा, ठीक है। PSLV C47 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था कार्टोसैट 3 को, ना कि GSLV Mark 3 के द्वारा। और ये इसका कोई पर्पस नहीं है कि इसको नेविगेशन पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाए, इसका कोई ये एम नहीं है। इसका एक्चुअली एम क्या है, जिसके लिए इसको लॉन्च किया गया है, वो है मैप मेकिंग जो ऐप्स होती है ना उनमें यूज़ किया जाए। जैसे कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग करनी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग करनी होती है कई जगह पे, तो उसके लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। रोड नेटवर्क मॉनिटरिंग में कहीं पे अगर रोड एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं तो वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जा सकता है कि वहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स को कैसे रोका जाए, या फिर कोस्टल लैंड यूज़ में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसका पर्पस है नेविगेशन पर्पसेस के लिए। इंडिया के पास कौन सा है, नाविक ऑलरेडी इंडिया के पास नेविगेशन पर्पसेस का है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा ए वन ओनली। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन से रीज़न है फॉर द सी लेवल चेंज। ये तीन आपको रीज़न दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से वो कौन से रीज़न है जिसकी वजह से सी लेवल चेंज हो रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या है, थर्मल एक्सपेंशन। सेकेंड है टेक्टोनिक चेंजेस। थर्ड है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। तो देखिए काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी। आप सभी को पता है थर्मल एक्सपेंशन की वजह से सी लेवल चेंज बिल्कुल होता है। टेक्टोनिक चेंजेस भी आप सभी को पता है, अगर प्लेट टेक्टोनिक चेंज होते हैं तो उससे भी बिल्कुल सी लेवल चेंज होता है। और थर्ड है मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। ये तो काफ़ी ईजी है, सभी को पता होता है ये कि अगर ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो सी लेवल बढ़ता ही है, जो कि अभी हो रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। तो आई होप आपने आज काफ़ी कुछ सीखा होगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।